विविध विषयांवरील वेबसिरीज हा तरुणाईचा कायमचा लाडका विषय आहे. सिनेविश्वातील अनेक कलाकार सध्या वेबसिरीजच्या माध्यमातून प्रेक्षकांसमोर येत आहे. यातच आता माय नेम इज शीला ही वेबसिरीज प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. यातील स्मिता तांबे आणि अंकित बातला या कलाकारांसोबत संवाद साधलाय. पाहुयात ते काय म्हणताय. ये पांडुरंग है जो शीला का हस्बैंड है. शीला माय नेम इज शीला जिसपे पूरा ये वेब बेस है. तो शीला का जो हस्बैंड है उसको कुछ काम धंधा नहीं करने का, बस बीवी की कमाई पे खाना है और दारू पीना है, रोज दारू पीना है, उसको लाइफ एंजॉय करना है. पर होता क्या है कि ये शीला की लाइफ में कुछ ऐसा होता है कि उसका एक हिडन टैलेंट है जो कोई देख लेता है और उसको एक स्टैंड अप कॉमेडी के लिए खड़ा करता है. तो अचानक होता क्या है कि मुझे लगता है कि इंटरेस्टिंग चीज़ ये होती है कि ये जो शीला है वो अचानक बड़ी होने लगती है और जो पांडुरंग है उसको लगता है कि नाउ इफ आई लेट हर गो शी वोंट कम बैक टू मी. और एक हस्बैंड का इनसिक्योरिटी कि अभी ये चली जाएगी, अभी मैं क्या करूँगा, उसको अच्छा भी लग रहा है, लोग रास्ते में मिलकर सेल्फी ले रहे अपनी बीवी के साथ, बोलता क्या चल क्या रहा है ये. और बीवी भी इसको बहुत कंसल्ट करती है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. उसको भी लगता है कि देखो मेरे को, मैं एक बड़ा आदमी हूँ, मेरे को पूछ रही है वो. और वो बहुत इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप है दोनों का, प्यार है, गुस्सा है, झगड़े हो रहे दोनों को, दोनों मारामारी करते एक दूसरे के साथ, फिर भी दे आर टुगेदर, वो एक साथ है अपने. अपनी बेटी के लिए दोनों बहुत झगड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और वो स्ट्रगल एक इंटरेस्टिंग है. काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप है दोनों का और मुझे लगता है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग सीन्स है, बहुत रियल लगने वाले सीन्स हस्बैंड वाइफ के बच्चे के साथ है. तो मुझे लगता है कि वो देखने में काफ़ी मज़ा आएगा. पता नहीं था जब वहाँ गया तभी मुझे पता चला कि ऐसा ऐसा होता है कि. और उसके पहले मैंने एक्चुअली वो जो रियल कैरेक्टर है उसका शो मैंने देखा था. तो मैंने कहा था अरे इंटरेस्टिंग है, मतलब सोशल मीडिया का आजकल जो फ़ायदे में है उसमें एक अच्छा एक कोई टैलेंट को आप ढूंढ निकालते हैं और सडनली वो स्टार बन जाता है, अब तो उसको कुछ तो रिकग्निशन मिलता है और उसका कुछ लाइफ बन जाता है. तो मुझे ये आइडिया अच्छा लगा और मुझे वो एक्चुअली उसका हस्बैंड का कैरेक्टर भी इंटरेस्टिंग लगा कि एक आदमी पीछे खड़ा है और उसको पता नहीं क्या उसके लाइफ में अचानक कुछ तो होता है, जैसे लॉटरी लगी, लगने के बाद तो समझ में नहीं आता है, वैसे उसको आज लग रहा है कि लॉटरी लग गई है, अभी पता नहीं पैसे का क्या करने का. और उन लोग का प्लानिंग चलता है कि अभी ये करेंगे वो करेंगे और फिर कभी उनको लगता है कि अभी हाथ से निकल रहा है, कभी हाथ में आ रहा है और उन दोनों का वो द्वंद्व चलता रहता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा. तो अच्छा मज़ेदार है वो सब. तुम मेरा इंटरव्यू ले रही हो तो तुम, अगर मुझे लगता है कि शायद तुम्हारे कलीग्स को भी लगता होगा अरे ये तो शायद तुम तुम्हारा खुद का कल शो भी शुरू कर सको, तो तुम्हारे साथ वालों को भी लगेगा अरे यार ये तो बहुत आगे चलेगी. खुशी होगी नहीं होगी वो बात अलग है, पर वो इनसिक्योरिटी मुझे लगता है हमेशा होती है, पर अभी अभी थोड़ा टाइम मुझे लग रहा है कि चेंज हो रहा है. मैं अभी देखता हूँ कि काफ़ी सारे मेरे दोस्त भी हैं, मतलब हमारे यहाँ तो है कि जो कहने लगे कि हम लोग बच्चा संभालते हैं तुम तुम्हारा काम करो, तो एक काफ़ी पॉजिटिव पिक्चर दिख रहा है आजकल कि लोग अपने कलीग्स को या अपने मतलब लड़कियों को औरतों को दे सपोर्टिंग मोर. तो ये काफ़ी अच्छा है और पर मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम और जाना चाहिए, पर वो जाएगा क्योंकि लड़कियाँ बहुत मेहनती है, लड़कियाँ बहुत मेहनत करती है, बहुत हार्ड वर्किंग की लड़कियाँ लड़कों से ज़्यादा होती है, उसका तो कोई मतलब दो राय है नहीं उसमें. तो अच्छा है, ये एक अच्छा सवाल भी अच्छा पूछा आपने कि अच्छा